लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव से पहले दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और आईएनडीआईए अपना कुनबा मजबूत करने की कोशिश में हैं। इस बीच अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बीजेपी ने तो एनडीए महाराष्ट्र में राज ठाकरे को अपने साथ लाने में जुटा हुआ है। इसको लेकर मंगलवार को दिल्ली में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले गए। मनसे के एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज हुई। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आलाकमान ठाकरे के नाम को चुराने की कोशिश कर रही है। आइए जरा आपको बताते हैं कि मनसे के एनडीए में आने की चर्चा क्यों है, क्या है मनसे की कहानी, चुनावों में इसका प्रदर्शन कैसा रहा है और बीजेपी के साथ क्यों आना चाहते हैं, या यूं कहें कि बीजेपी के साथ अगर आते हैं राज ठाकरे और मनसे तो क्या तस्वीर बनेगी। सबसे पहले तो ये जानिए कि मनसे की एनडीए में आने की चर्चा हो क्यों रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एनडीए के कुनबे को बड़ा करने में लगी है। हाल ही में पार्टी ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जन सेना पार्टी के साथ गठबंधन किया है। ओडिशा में नवीन पटनायक भी बीजू जनता दल के साथ गठजोड़ में है। इसी क्रम में बीजेपी महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ गठबंधन की कोशिश में है। इन खबरों को तब और हवा मिली जब राज ठाकरे दिल्ली पहुंच गए। मंगलवार के सुबह राज ठाकरे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर लंबी बातचीत हुई। मुलाकात के बाद मनसे के वरिष्ठ नेता बालानंद गांवकर ने कहा कि बीजेपी से बातचीत सकारात्मक रही है। अब इसके क्या मायने हैं ये तो वही जाने। अब ये जान लीजिए कि राज ठाकरे के बीजेपी में साथ आने की चर्चा पहली बार हो रही है या इससे पहले भी ऐसा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में पहले से ही तीन दल शामिल है। राज्य में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट की और अजीत गुट की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की महायुति सरकार चल रही है। इसमें अब नए दल मनसे की आने की चर्चा है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना अभी किसी गठबंधन में शामिल नहीं हुई है, अकेले ही चुनाव लड़ती रही है। पिछले कुछ महीने से मनसे और बीजेपी के बीच गठबंधन की खबरें आती हैं। हाल के दिनों में शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के बीच कई बार मुलाकातें भी हुई हैं। इन सब के अलावा बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज ठाकरे से मुलाकात की है। हाल ही में एक साक्षात्कार एक इंटरव्यू के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भविष्य में मनसे कहां होगी और किसके साथ होगी ये तो समय बताएगा। हम निश्चित तौर पर राज ठाकरे के दोस्त हैं, हमारी बैठकें होती हैं, हम कई विषयों पर बातचीत करते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले राज ठाकरे से जब मीडिया ने मनसे बीजेपी शिवसेना गठबंधन के बारे में पूछा था तो उन्होंने नकार दिया था। अब अमित शाह से मनसे प्रमुख की मुलाकात के बाद गठबंधन की अटकलें और तेज हैं। आप ये समझिए कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के साथ गठबंधन का फॉर्मूला अगर होगा तो क्या होगा। क्षेत्रीय मीडिया लोकल मीडिया में यह चर्चा है कि मनसे ने बीजेपी से तीन सीटें मांगी है। ये सीटें दक्षिण मुंबई, शिरडी और नासिक की सीटें हैं। इस बीच शिवसेना नेता और मंत्री दीपक केसरकर ने एक बयान में कहा कि अगर मनसे महागठबंधन में शामिल होती है तो उन्हें अपने चुनाव चिन्ह के बजाय महागठबंधन में एक पार्टी के प्रतीक पर चुनाव लड़ना होगा। केसरकर ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से उन्हें घटाकर बाकी सीटें बाकी पार्टियों को मिलेंगी, हमें उसी हिसाब से अपनी संख्या तय करनी होगी। इस वक्त शिवसेना के साथ 13 सांसद हैं। अजीत पवार की जो एनसीपी है वो भी हमारे साथ है, ये भी वो कहते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि फिलहाल अजीत के साथ केवल एक सांसद है लेकिन उनके विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है। जिन लोकसभा क्षेत्रों में उनके विधायक हैं वहां उनकी पार्टी का सम्मान किया जाएगा, उसी के तहत या उसी के अनुसार महायुति की ताकत तय होगी। ये तो हो गया उनका पक्ष। अब मनसे की कहानी भी जान लीजिए, कब इसका जन्म हुआ और कैसे इसका जन्म हुआ। राज ठाकरे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के भतीजे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ सियासी मतभेद के चलते राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए थे। इसके बाद 9 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना नाम की एक अलग पार्टी बनाई जो मनसे के नाम से जानी गई। मनसे ने कई आंदोलनों के जरिए मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाया। पार्टी की स्थापना के एक साल के भीतर ही मनसे को नगर निगम चुनाव में सामना जो करना पड़ा उसमें पार्टी को एक भी सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके बाद 2009 में पार्टी ने पहली बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को अच्छे खासे वोट मिले लेकिन सीट जीतने के लिए काफी ये नहीं थे। इसके ठीक 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी के 13 विधायक चुने गए। चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए चुनाव आयोग ने पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए आधिकारिक चुनाव चिन्ह दे दिया। साल 2010 में पार्टी को रेलवे इंजन चुनाव चिन्ह मिला। 2012 में हुए 10 नगर निगम चुनाव में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना को जबरदस्त सफलता मिली। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का पहला महापौर नासिक शहर में जीता था।
पुणे शहर में पार्टी ने विपक्ष के नेता के रूप में एक मजबूत छवि दिखाई। इसके अलावा मुंबई ठाणे शहर में मत प्रतिशत भी काफी बढ़ गया मनसे का। साल 2019 एक और चुनावी साल था, तब विपक्षी दल के रूप में मनसे ने सरकारों की आर्थिक नीतियों का कड़ा विरोध किया, लेकिन जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो राज ठाकरे ने केंद्र सरकार को बधाई दी। साल 2020 में मुंबई में हुए अधिवेशन में मनसे ने CAA का समर्थन भी किया था। कई बार ऐसे मौके आए जब उनका झुकाव NDA की तरफ BJP की तरफ दिखा, लेकिन उस वक्त इतनी गंभीर चर्चा नहीं हुई कि वो BJP के साथ आएंगे या NDA के छाते के नीचे आएंगे। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं, निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। खास तौर से महाराष्ट्र की सियासत में एक नए गठबंधन बनने की तैयार होने की तैयारी भी खूब चर्चा की जो है वो जोर पकड़ रही है। मनसे प्रमुख की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री से होने के बाद अब चर्चा ऐसी है कि बस ऐलान बाकी है, बाकी काम हो चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।